फंड साइज, फंड कलर एंड फंड स्टाइल के बारे में बताऊंगा। तो देखिए किस प्रकार से, पहले तो कि हमारे पास फंड नहीं है, तो हम फंड ले लेते हैं इक्वल्स टू आर ए एंड। देखिए अब देखिए हमारे पास फंड है, अब देखिए जो फंड है वो बहुत छोटे हैं, तो स्पेशली अगर मुझे इनको बढ़ाना है तो इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इनको सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। देखिए इस प्रकार से, एंड फिर जैसे मुझे जो साइज रखनी है वो मैं रख दूंगा। तो मैंने ये रख लिया, लेकिन मुझे चाहता हूँ कि स्पेशली मेरे पेज के, अब लेकिन मैं नीचे की साइड देखिए मेरी साइज फिर से यही हो गई। अगर मैं पूरे पेज की बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से नीचे से मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इस प्रकार से बढ़ा दीजिए। अब यहाँ से पूरे पेज की यही सेम साइज रहेगी, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ये तो साइज का चलो हो गया है मैटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको जो फंड का जो कलर है वो चेंज करना है। देखिए सिलेक्ट रोल कर लीजिए कंट्रोल ऐसे, एंड फिर आप जाइए। देखिए आपको ये दिख रहा है ना, ये फंड का कलर का, ये फंड के कलर के लिए है। तो जो कलर आपको देना है वो दे दीजिए। देखिए जैसे मैं ये देता हूँ, देखिए ये कलर हो चुका है। तो ये जो कलर है मैंने दे दिया है, तो इस टाइप के कलर्स भी आप दे सकते हैं। एंड अगर आपको नीचे भी यही कलर अप्लाई चाहिए, देखिए तो ये अप्लाई ही है रहेगा, लेकिन यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ से देखिए। अब जैसे कि मुझे ये करना है, ये तो चलिए थोड़ा अलग हो गया, रेड कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे ये करना है तो यहाँ से ये रेड चालू हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कलर्स भी दे सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज पे, कुछ इस टाइप से आपको कलर देना है। चलिए ये दोनों काम हो गए, अब हम स्टाइलिंग करते हैं। वापस इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। अब फंड की स्टाइल, हम अलग अलग साइज के जो फंड होते हैं तो वो हमें जानना है। देखिए तो यहाँ पे एक ये फंड के लिए दे रखा है, तो ये आप जिस टाइप के फंड्स आप कुछ उस टाइप के फंड्स आप ले सकते हैं। सीधा कंट्रोल ए दबाइए एंड सेलेक्ट कीजिए जिस टाइप के आपको चाहिए वो। तो देखिए थोड़ा सा हम फ्रेंग देखिए, तो इस टाइप के फंड्स आ चुके हैं। तो फॉन्ट आप किसी भी साइड के टाइप के कर सकते हैं। देखिए मुझे इस टाइप के चाहिए, तो ये इस टाइप के, ये इस टाइप के है, ये देखिए इंटरेस्टिंग फंड्स फॉन्ट्स। देखिए किसी भी टाइप के अगर आपको फंड चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। और एक देखिए यहाँ से भी इस टाइप पे भी आपको अलग, यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग अलग अलग टाइप की मिलेगी। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्टाइलिंग, इसमें कलर वलर सब कुछ वो अपने आप ही चेंज कर लेगा, बस आपको तो साइज तो सिलेक्ट करनी है। फिर भी ये देखिए अगर अंडरलाइन के साथ चाहिए तो अंडरलाइन के साथ आ जाएगा ये। तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ से जाके आप चेंज स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल सेट, आपको जो कलर चाहिए वो कलर कर सकते हैं, जिस टाइप का फॉन्ट्स चाहिए वो फॉन्ट्स कर सकते हैं, आपको अपने पैराग्राफ के बीच में जितनी स्पेसिंग चाहिए उतनी स्पेसिंग डाल सकते हैं। इसमें मैंने कॉम्पैक्ट कर दिए, तो ये इस प्रकार से डाल सकते हैं या सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं, ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। नॉर्मल देखिए ऐसा हो जाएगा। एंड ये देखिए अगर आपको हटाना है तो अंडरलाइन से हटा दीजिए एंड बॉन्ड्स। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। तो इस टूल में इतना ही है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस टाइप से हम पेज को कलर कर सकते हैं, पेज बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं पेज के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए शुभम क्लासेस।